स्वागत है आप तमाम लोगों का हमारे इस नए वीडियो में। और अभी समय लगभग मुझे लगता है 12 बज चुका होगा। और इस वक्त ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ और कहाँ मौजूद हूँ, मैं सबसे पहले आपको बताऊँ। तालिमुद्दीन इंटर कॉलेज है ये मऊ का, जो बड़ी कमरिया पे स्थित है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इस सड़क को दिखाएं, ये वो हाईवे है जो मिर्ज़ा हादीपुरा से होते हुए आज़मगढ़ मोड़ की तरफ ये रास्ता जाता है। और अभी अभी यहाँ पर ऐसी एक दुखद वारदात हुई, ऐसी दुर्घटना हुई जिसने एक परिवार की खुशियों को छीन लिया। इस घटना में मुंशीपुरा का एक व्यक्ति जिसका नाम आरिफ था, जो बाइक चला रहा था, उसी के साथ बाइक पर एक और व्यक्ति सवार था, उस जिसका नाम तबरेज़ बताया जा रहा है। और इन तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, तबरेज़ इस घटना में घायल हुआ है, जिसका मऊ ज़िला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है और अस्पताल में भर्ती है तबरेज़। वहीं आरिफ की घटनास्थल पर ही मृत्यु होने की सूचना मिली और आरिफ ने यहां पर अपनी जान गंवा दिया। अगर हम आपको तस्वीरें आगे बढ़कर दिखाते तो शायद आप उसका निशान भी देख पाते, किस तरीके से घटना हुई और वहाँ पर खून और कुछ ऐसी चीज़ें भी पड़ी हुई हैं। लेकिन वो तस्वीरें मन को विचलित कर देने वाली हैं, इसलिए वो तस्वीरें नहीं दिखाएंगे। और घटना के तुरंत बाद की भी जो तस्वीरें हमारे पास है, वो भी हम आपको जो स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ब्लर कर दिया है हमने, क्योंकि हार्ट रेंचिंग ये तस्वीरें हैं, मन को तकलीफ़ देने वाली तस्वीरें हैं। लेकिन ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, सबसे अहम बात ये है, ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जिस व्यक्ति की इस दुर्घटना में मृत्यु हुई, उसकी सर पर ही मेन चोट आई है, जो तस्वीरों में देखकर जैसा कि पता चल रहा है। हालांकि अभी बॉडी का पोस्टमार्टम होना बाकी है, लेकिन सर पर ही चोट आई है। और जाहिर सी बात है, सर की चोट के बाद अक्सर इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। और सर की चोट से कैसे बचा जा सकता है, उसके लिए लगातार आप तमाम लोगों से अपील की जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है, चालान तक किया जाता है, सज़ा दी जाती है, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते और हेलमेट नहीं लगाते। अगर हेलमेट लगाएँ तो जाहिर सी बात है, ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता है और काफ़ी कम हो जाएगा परसेंटेज इस तरह की घटनाओं का। और इस घटना में जिस व्यक्ति ने अपनी जान को गंवा दिया, आरिफ, उसकी एक हफ्ते पहले शादी हुई थी और उस नवविवाहित युवक ने आज इस दर्दनाक घटना में अपनी जान को गंवा दिया। और कहीं ना कहीं इस घटना में उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण हेलमेट का ना होना भी है। इसलिए हेलमेट ज़रूर लगाइए। और ये वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य भी यही था कि आपको दिखा सकें कि हेलमेट सिर्फ न लगाने का कितना बुरा अंजाम हो सकता है, किस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। आपकी गाड़ी को ट्रैफिक पुलिस के जो कर्मचारी होते हैं वो रोकते हैं और आप किसी को फ़ोन कर देते हैं और चालान से बच जाते हैं, उसे अपनी जीत समझते हैं। और कभी जब आप देखते हैं नाके पर चेकिंग चल रही है तो आप किसी दूसरे रास्ते से होकर चले जाते हैं, चालान से बच जाते हैं। लेकिन आप इस तरह से चकमा देकर चालान से तो बच सकते हैं, लेकिन यमराज को, मलकुन मौत को कोई व्यक्ति चकमा नहीं दे सकता। इसलिए हेलमेट ज़रूर लगाइए और अपनी जान की रक्षा कीजिए। अपने परिवार के बारे में सोचिए अगर अपने बारे में नहीं सोच रहे, और उनसे उनकी खुशियों को मत छीनिए। मैं कुताल सिंह, बड़े क्या घटना मौके पर मालूम हुआ ये कि रोड एक्सीडेंट में दो लोग थे, एक तबरेज़ का ही मौके पे आरिफ का एक्सीडेंट हो गया, जो एक्सीडेंट की दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। तबरेज़ अभी सही हैं और मैं उनके लिए मनोकामना करता हूँ, सही जाएं, अल्लाह पाक उनको सही रखें, ऊपर वाले सही रखें। कैसे क्या हुआ, क्या जानकारी? गाड़ी एक्सीडेंट है। इलाज के भाई सदर हॉस्पिटल लाया जाएगा और कहाँ लाया जाएगा?